नमस्कार दोस्तों, आज हम नींबू की बहुत ही नई और बढ़िया रेसिपी देखेंगे जो कि छोटों से लेकर बड़ों को पसंद आएगी। ऐसी रेसिपी हम आज देखने वाले हैं। नींबू तो सब घरों की जान होती है। अगर आपको नींबू खाना पसंद हो तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आपने देखा कि हमने नींबू को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम सब नींबू को इस साइज में काट लेंगे। आप देख सकते हो, हमने धो के अच्छे से उसको 2 घंटे के लिए हमने पानी में डुबो के रखा था नींबू को, ताकि वो ताज़ा दिखने लगे। अब हमने नींबू को इस साइज में अच्छे से काट लिया है। अब नींबू को काट लेने के बाद हमें उसमें से जो बीज रहती है वो निकाल लेनी है। अब हम कटे हुए नींबू में से बीज निकाल लेंगे। दोस्तों, नींबू खाना तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। हमें नींबू का सेवन रोज करना चाहिए। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे। ये बाउल में हम नींबू निचोड़ेंगे। दोस्तों, हमें एक एक करके सब नींबू के बीज निकाल लेनी है। इस तरह से हम नींबू का रस निकालेंगे, निचोड़ लेंगे, और उसमें से जो बची हुई छोटी बीज रहती है वो भी हम निकाल लेंगे। और हमें इस तरह से नींबू के छिलके को निकालना है। दोस्तों, हमें ये नींबू की रेसिपी में तेल या घी या कोई अचार जैसा मसाला होता है वो कुछ भी हमें इसमें यूज नहीं करना है। हमें इसकी अलग से रेसिपी बनाई है। हमें इसका छिलका भी नहीं फेंकना है। छिलकों से ही हमें ये नींबू की रेसिपी बनाने वाले हैं। दोस्तों, ये नींबू की रेसिपी में हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका खुद का ही एक मॉइस्चराइज़र है। दोस्तों, आपने देखा कि हमने सब नींबू के छिलके में निकाल लिए हैं, उसका रस भी हमने निचोड़ लिया है। अब हम नींबू के छिलके को इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। 4 साइज में होते हैं, उस तरह से हमें अलग कर लेना है। और हमें एक मिक्सी के जार लेना है। मिक्सी के जार में सब नींबू के छिलके और नींबू का जो रस रहता है वो ऐड करना है। दोस्तों, हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नींबू का रस उसमें ऐड करना है। हमें नींबू के छिलके को मिक्सी के जार में डाल के इस तरह से दरदरा पीस लेना है। आप चाहे तो उसका बहुत ही बारीक पेस्ट भी बना सकते हो। इस तरह से हमने उसका पेस्ट बना लिया है। अब हम गैस पर एक पैन लेंगे। दोस्तों, हमें पैन में घी या तेल ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। डायरेक्टली हमें उसका पेस्ट, नींबू का पेस्ट डालना है। दोस्तों, नींबू का पेस्ट डालने के बाद हमें 2 बाउल उसमें चीनी ऐड करनी है। आपको ये नींबू की रेसिपी में ज़्यादा ये मीठा चाहिए तो आप और 1 बाउल उसमें चीनी ऐड कर सकते हो, लेकिन इतनी बस होती है। ये नींबू के क्रश को आप जितना दिन रखोगे उतना वो टेस्टी बनता जाता है, और उसमें जो खट्टापन है वो भी निकल जाता है। पेस्ट को इस तरह से बुलबुले आने तक हमें इसको पका लेना है। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी भी लगती है, और रोटी के साथ भी खा सकते हो। दोस्तों, हमने इसमें 2-3 लवंग ऐड किया है। लवंग हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हम ये अचार या कोई भी जाम ज़्यादा दिन के लिए रखते हैं तो उसमें लवंग ऐड करना चाहिए, लवंग डाल देना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। आप देख सकते हो, हमारा वो पेस्ट का कलर चेंज हो चुका है, पीला कलर आ चुका है, थोड़ा ब्राउन भी हो चुका है। तो इस तरह से हमें ये रेसिपी बनानी है। हमारा ये नींबू का क्रश तैयार है। अब ना हमें उसी पैन में हमने बचा के रखा था थोड़ा नींबू का पेस्ट वो डाल देना है, क्योंकि हमें गुड़ का भी बनाना था ना। नींबू का जैम बनाने के लिए गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए हमने गुड़ भी ऐड करके आपको दिखा दिया। हमने यहाँ पे 1 बाउल नींबू का पेस्ट लिया था, और हमने 1.5 बाउल हमें इसमें गुड़ ऐड किया। तो हमने इसमें गुड़ ऐड किया ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। चीनी से बेहतर है कि हम गुड़ का बनाएं। कुछ लोगों को गुड़ पसंद होता है, कुछ लोगों को चीनी पसंद होती है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बना के बताया है। दोस्तों, हमने अगर ये नींबू का क्रश ये गुड़ डाल के हमने किया है, वो नींबू का क्रश हमने अगर 1 महीने तक रोज़ 1 चम्मच लिया, तो हमारा जो विटामिन सी की कमी होती है वो दूर हो जाती है। हमारी स्किन, हमारे बालों के झड़ना, वो प्रॉब्लम भी थोड़ा सा दूर हो जाता है। आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा ये गुड़ का भी क्रश तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो दोस्तों, कितना मज़ेदार दिख रहा है और बहुत ही मज़ेदार बना है। हम कुछ फ्रूट्स के जैम लाते हैं, सेम उसी तरह ये बना है। ये नींबू का क्रश, या आप जैम भी बोल सकते हो,
इस दोनों को जो हमने गुड़ और शक्कर का बनाया है, ये दोनों को आप अचार की तरह परोस सकते हो। ये नींबू की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।